उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। उम्मेद भवन पैलेस दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में से एक है। यह ताज होटल का भी एक अंग है। उम्मेद भवन का नाम महाराजा उमेद सिंह के पुत्र ने दिया था, जो वर्तमान में इसके मालिक है। अभी इस पैलेस में 350 कमरे हैं। इस उम्मेद भवन पैलेस का चित्तर पैलेस के भी नाम से जाना जाता था जब इसका निर्माण चालू था। यह पैलेस 1943 में बनकर तैयार हुआ। अभी उम्मेद भवन का एक साइड निजी एरिया है, बीच का साइड म्यूजियम और तीसरा ताजमहल है होटल। पब्लिक के लिए एक म्यूजियम का साइड ओपन है। उम्मेद भवन पैलेस के निर्माण का इतिहास एक संत द्वारा अभिशाप से जुड़ा है, जिन्होंने कहा था कि राठौड़ राजवंश के दौरान एक अकाल सुकाल पड़ेगा। इससे प्रताप सिंह के लगभग 50 साल के शासन में जोधपुर के लगातार 3 वर्षों में 1920 के दशक में भीषण सूखे और अकाल का सामना करना पड़ा। उस टाइम यहाँ पर रहने वाले किसानों ने महाराजा उमेद सिंह से, जो जोधपुर में मारवाड़ के 37 राठौड़ शासक थे, उनसे रोजगार के लिए मदद मांगी। महाराजा ने किसानों की मदद के लिए एक भव्य पैलेस महल निर्माण करने का फैसला किया। उन्होंने महल के लिए योजना तैयार करके वास्तुकार के रूप में हेनरी वॉल लैंचेस्टर को दिया। लैंचेस्टर एडविन लुटियंस के समकालीन थे, जिन्होंने नई दिल्ली सरकार की इमारतों का योजना बनाई थी। लैंचेस्टर ने गुबंदों और स्तंभों विशेषताओं को अपनाकर नई दिल्ली भवन परिसर के जैसा उम्मेद भवन का निर्माण किया। महल को पश्चिमी प्रायोगिकता और वास्तुकला के समायोजन डिजाइन किया गया है।